हे मॉर्निंग, चलो आपके लिए एक छोटा वाला आईक्यू वाला क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, कोई आपको 10 लाख रुपए दे देता है, वो 10 लाख आपको ओनली 1 घंटा ही आपको इन्वेस्ट करने का खर्चा करने का, क्या भी करते हो बाकी उसको कार एंड बाइक्स में खर्चा नहीं करने का, कोई ऐसा एक चीज में आपको 1 घंटे में खर्चा करना है जिससे कि आपको मंथली मिनिमम 5 से 10 हज़ार रुपए आए, ऐसा कौन सा चीज होगा? लेट मी नो इन द कमेंट। देखते हैं किसका कितना दिमाग चल रहा है। When our watch is poita for him. Which watch is this? Apple watch. Which one is this? Apple watch. यार ये YouTube के चक्कर में बंदा फंस गया टोटल। पहले ऑफिस में जब फोन आता था वो लोग ढूंढते थे कि सर किधर है, ऑफिस वाले बोलते सर तो इंडिया में है ही नहीं, अभी वो रिटर्न में बैकफायर मारते कि सर तो अभी जस्ट वीडियो में लोकेशन डाले थे भुवनेश्वर और सर इंडिया से बाहर गए कब, फंस गए। Because if you want to know, just estimate the height of G-Wagon and bus. देखो बस का हाइट किधर है, मेरा हाइट किधर है, so basically I can see सीट पे कौन बैठा है, कैसे बैठा है, I can see everything. ठीक है, गाली देता हूँ, ये पागल लोग कैसे कर किए हैं। देखो इस तरफ से वो रोड को ब्लॉक, उस तरफ से भी रोड ब्लॉक, अभी कौन कहाँ से जा रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा है। देखो देखो देखो, ऐसा अगर कोई बाहर वाला कंट्रीज में होता सबको लेके ये लोग अंदर में डाल देते, अभी वहां से वो लोग फिर भी आ रहे हैं, रॉन्ग साइड से लोग फिर भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, सारे जगह से लोग अभी भी आ रहे हैं भाई, मानना पड़ेगा एवरीवन। मतलब जैसे रोड पे सबको पॉटी लगा हुआ है यार, इतनी जल्दी क्यों है भाई? रुको रुको, रही जा अरे बुढ़ा यार, बड़े चूतिए लोग है। बड़े ही चूतिए लोग है। रीजन व्हाई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग, आप इंडिया में रोड पे उतरते ही आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आप स्ट्रेस में चले जाओगे। बेटर टू जस्ट, मतलब गाड़ी वाड़ी में इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओनली ओला उबर करो, बेस्ट है मैन, पूरा मूड ऑफ हो जाएगा यहाँ। चलो भाई लोग, अभी टाइम आ गया है अपना ये DJI Air 2S को अनबॉक्सिंग करेंगे, एंड दिस इज माय Mavic 2 Pro, दिस इज द न्यू DJI Air 2S, एंड दिस वन इज 2018 वाला पैकेट, एंड दिस इज 2022 मतलब 2021 वाला पैकेट। अभी ये जो ड्रोन्स का जो सिस्टम ऐसा है, आई हैव गॉट लाइक 3 और 4 ड्रोन्स, बाकी मैं इंडिया में उड़ाता नहीं क्योंकि इंडिया में एक्चुअली इट वॉज नॉट लीगल, अभी रिसेंटली लीगल हुआ तो अपन उड़ा सकते हैं, बट स्टिल आई हैव बीन लाइक मिसिंग माई ड्रोन फ्लाइंग, बिकॉज ड्रोन्स आर समथिंग विच आई लाइक दी मोस्ट, उसका जो टेक्नोलॉजी है इतना जबरदस्त इतना इंटरेस्टिंग भी है, बाकी इंडिया में उड़ा नहीं सकते सब जगह, अपना मतलब अलाउड ही नहीं था ऑलमोस्ट, बाकी एनीवेज अपना आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर Mavic 3 Pro, आई एक्चुअली वांटेड टू गो फॉर दिस Air 2S, लाइक कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि जो आपको Mavic 2 Pro मतलब 4 साल पुराने वाले ड्रोन पे है, बाकी 2020 नया वाला ड्रोन पे नहीं है, वो आगे जाकर मैं आपको वीडियो में डिफरेंस बता दूंगा, बाकी पहले तो इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, एंड लेट मी जस्ट शो यू व्हाट ऑल यू गेट इनसाइड दिस बॉक्स। ओके चलो अभी इसे अनबॉक्सिंग करते हो, दिस इज द DJI Air 2S, ये वाला भी लेटेस्ट वाला DJI का जो ड्रोन है, बाकी दिस इज नॉट माइन, दिस वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई एम स्टिल यूजिंग माई, काम गया मेरा वाला, सो आई एम स्टिल यूजिंग माई DJI Mavic 2 Pro, ये तो है मेरा अभी 3 साल पुराना, 2008 4 साल पुराना, दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट बॉक्स, बाकी इसके अंदर जो ड्रोन है वो has already been confiscated by Iceland police. Iceland police मैं एक जगह उड़ा रहा था, वो लोग आके मेरे से ले लिए थे, उसके बाद I had to buy one more Mavic 2 in Iceland. वो आने के बाद खतरनाक वाला पंजाबी डांस भी होता, जस्ट इन केस इफ यू हैव मिस्ड इट फ्रॉम Iceland vlogs, इमीडिएटली जाके देखो, सो होपफुली यू लव्ड इट, बाकी मैं तब थोड़ा मोटा था, अभी तो आई एम लाइक बैक टू माई नॉर्मल शेप, सो दिस इज द DJI Mavic 2 Pro, बाकी एंड दिस इज द न्यू लेटेस्ट DJI Air 2S, देखो इसका साइज देखो, अभी खोलने के बाद देखोगे साइज कंपेरिजन मैं करके आपको दिखा दूंगा, पहले इसे अनबॉक्सिंग करके देखते हैं ये डब्बा के अंदर क्या क्या आता है। ओके सो दिस इज हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक, DJI Air 2S, एंड दिस इज द फ्लाई मोर कॉम्बो बंडल, फ्लाई मोर कॉम्बो मतलब इसके अंदर आपको 2 एक्स्ट्रा बैटरीज एंड ये सब एक्सेसरीज भी पूरा आ जाती है, इसमें अभी आपको इंडियन रुपीज वाला स्टिकर नहीं मिला क्योंकि अभी तक ऑफिशियली इंडिया में इंपोर्ट होना शुरू नहीं हुआ, बाकी जल्दी हो जाएगा, अभी खोल के देखते हैं इसके अंदर आता क्या क्या है। सो इनसाइड दिस यू स्ट्रेट गेट ए बैग, पूरा ये फ्लाई मोर कॉम्बो का पूरा एक बैग आ जाता है, पूरा परफेक्ट साइज भी है, फाइनली ये वाला अपना आराम से आपका कोई भी बैग में भी आ सकता है, वही एक अच्छा है कि इसका साइज बहुत मस्त है। अभी इसके अंदर क्या क्या पहले देखते हैं, 1 Air 2S का अपना जो वारंटी जो भी रहता है, बाकी एनीवेज इंडिया में तो वारंटी काम नहीं करता है। एक्सेसरीज व्हाट डू वी गेट, सो फॉर द एक्सेसरीज पूरा एक लंबा वाला चार्ट, एंड दिस इज द अपना क्विक स्टार्ट गाइड, उसके बाद Air 2 का यूजर गाइड, अंदर आपको ये जो अपना कंट्रोलर का हुक्स वो मिल रहा है, आपको USB-C वाला केबल मिल रहा है, यू आर ऑल्सो गेटिंग ये जो अपना चार्जिंग के लिए केबल्स,
So, अभी the best thing is DJI is giving you a lot of extra propellers. ये propellers always आपका shot मारता है. कहीं ना कहीं जब लुढ़केगा मतलब ये extra वाला propeller चाहिए ही चाहिए. Finally, extra वाला propeller सीधा office मतलब company से ही आ रहा है. Nice. अभी इसको side करते हैं and अपना ये जो main वाला bag में देखते हैं क्या क्या है actually. So, this is how the bag looks like for the DJI Air 2S. यहाँ से इसका unpacking. Unpacking is done and ये बैटरी का साइज़ देखो क्या ज़बरदस्त पूरा परफेक्ट वाला बैटरी साइज़ सो एक्चुअली इसके अंदर आपको तीन बैटरी जाते हैं ये अपना आई गेस द चार्जर हाँ बैटरी दो बैटरी हो गया उसको छोड़ के अपना ये जो अपना चार्जर हो गया उसको छोड़ के अपना ये जो और जो होल्डर हो गया उसको छोड़ के और एक बैटरी सो बेसिकली थ्री बैटरीज यू आर गेटिंग एंड यू आर गेटिंग वन कंट्रोलर ये बाकी स्मार्ट कंट्रोलर नहीं है सो स्मार्ट कंट्रोल होता तो आपके पास एक डिस्प्ले भी आ जाता बट द कंट्रोलर इज सम हाउ बिग मतलब पहले का कंट्रोलर से ये वाला कंट्रोलर थोड़ा बड़ा हो गया सो बाकी साइज देख सकते हो यहाँ आपको एनी वेज आपको फ़ोन कनेक्ट करना इसको खोल के यहाँ लगाने का उसके बाद जाके फ़ोन यहाँ लगाने का उसके बाद जाके फ़ोन पे ही इसको कनेक्ट करके आपको यू हैव टू सी द डिस्प्ले एंड ऑपरेट द ड्रोन अभी ड्रोन का साइज देख रहे हैं सी दिस इज हाउ द ड्रोन साइज लुक्स लाइक मतलब सीधा मेरा हाथ जितना बड़ा है एग्जैक्टली उतना ही ये सीधा ड्रोन का साइज है Nice and easy, looks good. Best thing is, this is coming with 1-inch sensor, same as my Mavic 2 Pro. बाकी अभी इसका मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इसका और Mavic 2 के बीच में मतलब डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली सो दिस इज हाउ द ड्रोन लुक्स लाइक एंड अभी इसके अंदर अगर अपन बैटरी इंस्टॉल करते हैं एंड वेट इज़ ऑल्सो वेरी नीट मतलब ज़्यादा वेट नहीं है बहुत ही कम वेट है मे बी इट लुक्स फील्स लाइक 150 ग्राम्स और समथिंग एंड यहाँ पे आपको नीचे में भी आपका जो LED वाला जो Mavic 2 में आता है वो भी आ गया आपके नीचे में सेंसर से आ गया साइड में सेंसर्स इसके हैं नहीं फ्रंट में सेंसर्स है यू कैन सी दैट एंड बैक में सेंसर्स है बाकी साइड में सेंसर्स नहीं है साइड सेंसर्स आपका Mavic 2 में आता है बाकी नीचे में सेंसर्स है फ्रंट पे है एंड बैक में है सो दिस इज़ हाउ इट इज़ सो ऊपर में आपको सेंसर्स नहीं मिलते एंड साइड में सेंसर्स इसमें नहीं मिलते बट वेट एंड द साइज एवरीथिंग इज़ वेरी नीटली डन बेस्ट थिंग इज इट्स कमिंग विथ 1-inch सेंसर सो यू आर गोइंग टू गेट वेरी हाई क्वालिटी फोटोज एंड वीडियोज चलो इसका भी साइज कंपेयर करते हैं मेरा Mavic 2 के साथ सो दिस इज वॉट द Mavic 2S लुक्स लाइक एंड दिस इज वॉट माई करेंट Mavic 2 Pro लुक्स लाइक दिस इज अ 2018 मॉडल एंड दिस इज द लेटेस्ट 2021 मॉडल अभी साइज का डिफरेंस देखो इतना साइज का डिफरेंस है सो दिस वन इज दिस इज लाइक टू मतलब हेवी ये क्लोज टू वही 300 ग्राम या 350 ग्राम ऐसा कुछ होगा दिस इज नॉट मोर देन एनीथिंग मे बी 150 या 160 ग्राम साइज पूरा परफेक्ट मेरा हाथ जितना है उतना साइज में आ जाता है बाकी Mavic 2 Pro आपके साइज में नहीं आएगा इट्स एक्चुअली बिग एंड हेवी एंड मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस इसको चाहिए बाकी एक है कि आपको Mavic 2 Pro में यू आर गेटिंग दिस साइड वाला सेंसर्स उसके बाद जाके ऊपर में तो एनी वेज इनका ये जो है इनका इंफ्रारेड ऊपर में भी आपका सेंस करता है साइड में भी सेंस करता है सो बेसिकली यू आर गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर लाइक Mavic 2 Pro सामने आ जाता है सेंसर्स पीछे में आ जाता है सेंसर्स साइड में भी आ जाता है सेंसर्स एंड ऊपर में भी आ जाता है सेंसर्स उसके बाद जाके नीचे में भी आ जाता है सेंसर्स सो बेसिकली अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन व्हेन यू आर हैविंग द Mavic 2 Pro पर ये है कि बहुत ज़्यादा हेवी है एंड बजट में दिस इज़ द बेस्ट थिंग पिक्चर वाइज क्वालिटी अगर देखा जाए तो इसमें एंड इसमें दोनों में सेम आएगा बाकी बहुत सारा डिफरेंसेस है लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ओके सो अभी डिस्कस करते हैं ये अपना DJI Air 2S एंड ये Mavic 2 Pro के बीच में डिफरेंस क्या है सो टेक्निकली स्पीकिंग फॉर द इमेज क्वालिटी इट्स एग्जैक्टली द सेम क्योंकि दोनों में 1-inch का सेंसर है बट इफ यू आर ए प्रो हु नीड्स मोर कैपेबिलिटीज फ्रॉम द ड्रोन देन यू नीड Mavic 2 Pro क्योंकि इसमें जो है इसमें आपको फिक्स्ड एपर्चर मिलता है एंड फिक्स्ड वाला ISO मिलता है फॉर वीडियो आप ऑफकोर्स मैनुअल ISO चेंज कर सकते हो फोटोज के लिए बाकी वीडियोज के लिए आप ISO को चेंज नहीं करते वो फिक्स्ड रहता है ऑटोमेटिक रहता है एंड एपर्चर इज फिक्स्ड लाइक 2.8 में सो बेसिकली लाइक पीपल लाइक मी दे नीड मोर मतलब और ज़्यादा अपने को चाहिए फीचर्स लाइक हम ISO को चेंज कर लाइक मैं हर वीडियो के लिए ISO चेंज करता रहता हूँ एपर्चर को चेंज करता रहता हूँ यू कैन नॉट डू विद दिस सो अब मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इसको एक ले लेती हूँ ये मस्त छोटा वाला साइज है बट वेन आई रेड अबाउट द डिटेल्स मेरे को लगेगी नहीं अभी अपने को वेट करना पड़ेगा Mavic 3 Pro के लिए ओनली क्योंकि इसमें अपना जो मेन जो चीज़ है दैट इज द फिक्स्ड एपर्चर एंड द फिक्स्ड ISO फॉर वीडियो दैट इज देयर इन द Air 2S बट Mavic 2 Pro में वो दो अपना पूरा मतलब हाथ में अपने को वो कंट्रोल कर सकते सेकेंड थिंग इज अपने को DJI Air 2S में ऊपर में और साइड में आपको सेंसर्स नहीं मिलता प्रोटेक्शन नहीं मिलता वो आपको पूरा ध्यान में रखना है बाकी Mavic 2 Pro को अगर आप उड़ाते हो वो कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है वो ऊपर वाला सेंसर साइड वाला सेंसर एवरीथिंग वर्क्स नाइसली
वो भी है और एक चीज़ भी है कि अपना एयर टू एस का जो सबसे बेस्ट थिंग इज इट्स वेरी स्मॉल वेरी लाइट वेट. डीजे मैविक 2 प्रो इट्स मतलब बहुत ज़्यादा हेवी है एंड बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, स्पेस भी बहुत चाहिए. बाकी ये है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू सम कोल्ड क्लाइमेट मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट्स रहता है देन दिस वन इज गोइंग टू वर्क. ये आपका थोड़ा सो हो जाएगा क्योंकि ये दिस वन आई गेस इट्स गोइंग टू वर्क टिल -7 -8. दिस वन कैन इवन वर्क एट -15 -20 समथिंग लाइक दैट. बैटरी आपका गर्म मतलब ठंडा नहीं होगा एंड आराम से चलेगा भी. तो दिस वन कैन एक्चुअली फ्लाई. एंड वन मोर थिंग इज ये आपका विंड से मतलब ज़्यादा आपको बचा नहीं सकता बिकॉज सिंस इट्स वेरी लाइट वेट एंड वेरी स्मॉल. अगर आपको बहुत ज़्यादा विंडी वाला कंडीशन होगा देन मे बी यू शुड नॉट फ्लाई द एयर टू एस. बाकी डीजे मैविक 2 प्रो सिंस इट्स वेट मतलब बहुत ज़्यादा वेट है इसका एंड थोड़ा बड़ा है वो विंड से आपको आराम से मैनेज भी कर सकता है. मतलब थोड़ा अगर विंड थोड़ा स्पीड में रहेगा तो एयर टू एस इज नॉट रिकमेंडेड टू फ्लाई. बाकी टेक्निकली स्पीकिंग एयर टू एस इज मच बेटर पैकेज क्योंकि इट्स ए 2021 न्यू वाला मॉडल. लाइट वेट भी है, साइज भी बहुत कम है एंड पैसा भी 60-70 हज़ार ऐसा कुछ कम है. अनटिल एंड अनलेस यू आर समवन हू नीड्स मोर कैपेबिलिटीज फ्रॉम द ड्रोन लाइक मैनुअल आपका एक्सपोजर मैनुअल करना है, एक्सपोज आपका मैनुअल वाला आईएसओ चाहिए, मैनुअल एपर्चर चाहिए, देन यू नीड द मैविक 2 प्रो और मैविक 3 प्रो वेट कर सकते हो और एल्स डीजे एयर टू एस गुड इनफ मोर देन इनफ. एंड अभी ये ड्रोन्स के बारे में हैव ऑलरेडी डन ए डिटेल वीडियो इंडिया में जो भी 2021 में ड्रोन का जो नया वाला लॉज है उसके बारे में पूरा मस्त वाला वीडियो बना दिया गया है. जस्ट इन केस यू हैव मिस्ड दैट वीडियो में ऊपर में लिंक डाल देता हूँ जाके देख सकते हो. उसमें पूरा डिटेल्स में बताया किसको लाइसेंस चाहिए किसको नहीं चाहिए, आपको कैसे लाइसेंस लेने का, कहाँ उड़ा सकते हो कहाँ नहीं उड़ा सकते, ऑफिशियली आप ड्रोन को लेके जा सकते हो कि नहीं, आ सकते हो कि नहीं, दैट इज द कम्प्लीटली इट हैज बीन एक्सप्लेन इन दैट वीडियो. इमीडिएटली जाके देखो आपको पूरा वाला ज्ञान मिल जाएगा. एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइस दिस वन इज अराउंड 1.25 लाख. बाकी अभी आपको जीएसटी बिल विल नहीं मिलेगा, मे बी इन फ्यू मंथ्स मे बी वंस डीजेआई स्टार्ट सेलिंग इट ऑफिशियली आपको उतना पैसा मिल जाएगा. अभी तो अनऑफिशियल सेलर्स ही सेल करते हैं. सो जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्राइस एयर टू एस इज गोइंग टू कॉस्ट यू 1.25 करोड़ एंड मैविक 2 प्रो इज गोइंग टू कॉस्ट यू क्लोज टू 1.75 या 1.8. सो दोनों के बीच में डिफरेंस इज गोइंग टू बी क्लोज टू 60-70 थाउजेंड. बट आई स्टिल रिकमेंड टू वेट फॉर द मैविक 3 प्रो जो कि मे बी और कुछ महीने में आ जाना चाहिए. एंड भाई लोग एक सीक्रेट तो मैंने आज तक किसी से भी शेयर नहीं किया नॉट इवन इन द वीडियोस, दैट इज ये ड्रोन को भाई इंडिया से बाहर लेके जाना एंड इंडिया को वापस लाना सबसे बड़ा टास्क है. इट्स लाइक ए पेन इन द एस मैन, इट्स जस्ट सो कॉम्प्लेक्स मतलब अभी तो चलो लॉ पास हो गया, अभी हम मतलब ऑफिशियली मैं ये डब्बा को लेके जा सकता हूँ, डब्बा को लेके आ सकता हूँ. बाकी उससे पहले एयरपोर्ट में जाना और एयरपोर्ट से निकलना ड्रोन को लेके इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. नॉर्मली लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, ड्रोन को खोल देते थे, बैटरी अलग पैकेट में रखते थे, कंट्रोल और एक पैकेट में रखते थे, ड्रोन को अलग पैकेट में, ऐसे करके मतलब छिन बिन करके वो लोग लेके जाते थे, फिर लेके आते थे. बहुत ज़्यादा रिस्क रहता था एंड और लाइक 100-90% ऑफ चांसेस आपका रहता था कि कस्टम्स वाले रख लेंगे ड्रोन को देख के. अभी आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ऑफिशियली आपको कोई भी नहीं रोक सकता अंटिल अनलेस यू आर डूइंग समथिंग इलीगल. If you are even carrying a drone in the airport, you can officially take it out of India and you can officially bring it back to India. Nice and easy. Alright guys, that's it for today. Abhi time ho gaya hai, 3 PM. I need to leave for home, have my lunch, then we'll get back to my Odia video and I will edit this video anyways after my office work is done and I will see you guys tomorrow with a new vlog.